नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपका मेरे एक और नई वीडियो में स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल महेश भोमा पे। बहुत दिनों से मैंने अनबॉक्सिंग का कोई वीडियो डाला नहीं था, तो सोचा चलो आज एक वीडियो डाल ही देते हैं। हर वक्त मैंने फिश टैंक या एक्वेरियम के फिल्टर या हीटर, इनकी अनबॉक्सिंग की है। आज की अनबॉक्सिंग कुछ अलग है, यानी ये कोई फिश की नहीं है या फिश एक्सेसरीज की नहीं है। ये जो अनबॉक्सिंग है, ये है टर्टल टैंक की। सही सुना आपने, कछुए के टैंक की। अमेजोन पे मैंने सर्च करते करते एक टर्टल का टैंक देखा था, जो मैंने आपके लिए वहाँ से ख़रीद के लिया है, और आज उसकी मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ। ये टर्टल टैंक कुछ अलग टाइप का है, इसीलिए मुझे ये अच्छा लगा और मैंने मंगवा के लिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अनबॉक्सिंग का। इसे साइड में रख देते। तो देखते हैं इसमें क्या क्या आया हुआ। सबसे पहले तो बिल आया हुआ है, जो आपके लिए नहीं है। उसके बाद एक कागज आया है, सेटअप कैसे करते हैं, मगर वो चाइनीज में लिखा हुआ है, जिसकी जरूरत मुझे भी नहीं और आपको भी नहीं है। अब निकालते हैं टैंक। इसे रखते हैं साइड में और एक खाली बक्सा भी साइड में रख देते हैं। अब देखते हैं इसके साथ क्या क्या आया हुआ है। ये एक पैनल है, और ये एक पैनल है। मेरे ख्याल से दोनों टॉप के पैनल होंगे। ये उसके दो स्टैंड है। और ये है टैंक, जैसे कि आप देख ही सकते होंगे, छोटा सा टैंक है। और इसके साथ कुछ पाइप्स भी आए हुए। और एक मैं इस टैंक की खासियत बताता हूँ। इस टैंक की खासियत ये है कि इसमें इनबिल्ट फिल्टर सिस्टम है। ज़्यादातर टर्टल के टैंक में फिल्टर साथ में नहीं आता है, मगर ये टैंक में फिल्टर साथ में है, इसीलिए मुझे ये पसंद आया था। तो ये है छोटा सा टर्टल का टैंक। और क्या आया है वो भी देखते हैं। और इसके साथ ये एक ट्रे आया हुआ है। अब हम इसका जल्दी से सेटअप करते हैं और आपको दिखाता हूँ ये काम कैसे करता है। आपको दिखाता हूँ इसका फिल्टर सिस्टम कैसा है। उसके लिए ये ऊपर का टॉप निकाल देता हूँ। नीचे आप देख ही सकते होंगे एक छोटी सी मोटर है, ये आपको दिख रही होंगी, और स्पंज लगाने के लिए डिवाइडेशन के लिए दो पट्टियाँ दी हुई है। इस तरह से ये फिट हो जाती है। फिल्टर का सेटअप कर देते हैं। इसके साथ कोई फिल्टर स्पंज वगैरह आता नहीं, तो मेरे पास फिल्टर स्पंज है, ये इसमें लगा देते हैं, जो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और उसके बाद ये टॉप इसके ऊपर रख देंगे। और जो ये पाइप्स आए हुए हैं, ये पानी के लिए ही है, यानी फिल्टर के लिए ही है। इनके साथ बहुत सारे पाइप्स के पीसेस दिए हुए, आपको आपके लंबाई के हिसाब से इसे एडजस्ट करना है और लगाना है।
इसके बाद जो ये एक्रेलिक यानी प्लास्टिक के पीसेस दिए, ये साइड वॉल का काम करेंगी जो यहाँ पे आपको लगानी है। और ये वॉल को सपोर्ट देने के लिए ये वॉल इस तरह से रेडी हो जाती है, यानी टैंक पूरा रेडी हो जाता है। और ये जो जाली दी है इसका टॉप का कवर है। जिसे हमने इस तरह से लगाने के बाद ये टैंक पूरा रेडी हो जाता है। ये वेट में भी खाली काफ़ी हल्का है। मुझे तो ये बहुत ही पसंद आया होगा, आपको भी आया होगा। अगर किसके घर में एक छोटा सा टर्टल है और उसके रखने के लिए कोई टैंक नहीं होगा कांच का बड़ा, तो आप इससे काम चला सकते हैं। और ये आप कहाँ पे भी ले जा सकते हैं टर्टल के साथ। तो ये है टर्टल टैंक। इसे तो ये है टर्टल टैंक यानी कछुए का टैंक। अगर आपको भी ये खरीदना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे देता हूँ, वहाँ जाके आप देख के खरीद भी सकते हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबा के सारे नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।